नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे पीएससी लेक्चर में। हम लोग संख्या पद्धति के बारे में पढ़ रहे थे, तो इससे आधारित कुछ सवालों को आज नए स्तर से करना शुरू करेंगे। जैसे आपको बोर्ड पर दिख ही गया हो कि बड़ी से बड़ी घात वाली संख्या का इकाई अंक कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले आपको तो पता होना चाहिए कि कोई भी संख्या है, जैसे इन संख्याओं को हमने लिखा, तो इसका इकाई यहाँ से गिनते ये हुए इकाई, दहाई, सैकड़ा और हज़ार, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछता है कि कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या, जैसे इसमें गुना कर दिए, ठीक है, तो इसका इकाई अंक क्या होगा। चाहे क्वेश्चन इस तरह का भी पूछता है कि दे दिया और इस संख्या का घात 256 है, मतलब आप तो 1756 को 256 बार लिख के गुना करके इकाई अंक बताना है, ऐसा नहीं है। इसके लिए सिंपल ट्रिक है जिसके सहायता से हम लोग इकाई अंक निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आपको तो जानना होगा कि अगर लास्ट में ही अंक है तो कुल कितने अंक हो सकते हैं। हमारे पास किसी भी संख्या के अंत में यही तो अंक होंगे, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ठीक है। तो इसके लिए आपको तो ये दो चीज़ याद रखने होगी कि किसी भी संख्या के अंत में 0, 1 हो या 5, 6 हो, ठीक है, तो उसका घात कितना भी हो उसका इकाई अंक उतना ही होगा जितना वो होगा। जैसे मान लीजिए कि अगर ये संख्या है 251 का पावर 269, इसका इकाई अंक कितना हुआ, एक है, एक है, तो इसका इकाई अंक हमेशा एक ही होगा, ठीक है, इसका इकाई अंक एक होगा। उसी प्रकार कोई और संख्या ले लीजिए, 00 है, सब पावर पर कुछ भी हो, ठीक है, इसका इकाई अंक हमेशा अंत में क्या है, 0 वाले का 0 होगा, 1 वाले का 1 होगा, 5 वाले का 5 होगा और 6 वाले का 6 होगा। क्योंकि 5 वाले का भी देख ले रहे हैं कि अगर देखिए अंत में कितना है, 5, तो इसका इकाई अंक क्या होगा, 5 होगा। और उसी प्रकार कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या हो, घात चाहे कितना भी हो, ठीक है, 6 है, तो इसका इकाई अंक 6 होगा। यानी आपको ये चीज़ तो याद रखना होगा कि जिसके अंत में 0 हो, 1 हो, 5 हो और 6 हो, उसका इकाई अंक हमेशा जो अंतिम संख्या होगा वही होगा। लेकिन कुछ संख्याओं के लिए आपको यह दिक्कत होगा, वो संख्या होगा कि अंत में अगर 2 है, 3 है, 4 है, 7 है, 8 है और 9 है, तो इन संख्याओं का अगर आपको इकाई अंक बताना हो तो हम लोग क्या करेंगे, इन संख्याओं को इकाई अंक बताना हो तो सबसे पहले जैसे यहीं पर हम इसको चिन्ह करके समझा रहे हैं, ठीक है, हमने क्या किया कि इनके अंत में हमने इन अंकों को बदल दिया। मान लीजिए किसी के अंत में हमने 2 ले लिया है, ठीक है, किसी के अंत में 2 ले लिया, किसी के अंत में हमने 3 ले लिया, किसी के अंत में 4 ले लिया, किसी के अंत में 7 ले लिया, ठीक है, उसी प्रकार किसी के अंत में 8, 9 वाला एग्जांपल हम समझाएगा। तो इसमें सिस्टम होता क्या है कि जो आपका घात है, ठीक है, जो पावर है, उस पावर में आप 4 से भाग दीजिए, ठीक है, जितना शेष आता है उस शेष को इकाई अंक का घात बना देंगे, जो संख्या होगा वही हमारा मूल उत्तर होगा। जैसे मान लीजिए, समझ लीजिए कि इसका घात कितना है, 268 है, तो 268 में हम लोग 4 से भाग देंगे, 4 6 24 2 8 4 4 7 28 का शेष है 0, ठीक है, इसको आप रहने दी, 268 वाले को हम लास्ट में इसमें लेके चलेंगे। हम क्या कर रहे हैं, किसी पहले 218 वाले को ले रहे हैं, ठीक है, उसको समझने से पहले यह एक तरह का अपवाद है, जहाँ शेष 0 हो तो क्या करेंगे, अगर जहाँ पर शेष 0 हो वहाँ पर घात हमेशा 4 लेके बनाते हैं। अब इसमें देखिए कि जैसे 118 है, 118 इसमें 4 से भाग देंगे, 4 2 8 3 8 4 7 4 9 36, शेष कितना है, 2, तो इकाई अंक का घात हम लोग 2 कर देंगे, जैसे 3 का घात हम लोग 2 कर देंगे, 3 का घात 2 मतलब 3 × 3 आपका कितना आया, 9, यानी इसका इकाई अंक आपका आएगा 9, ठीक है।
अब इसी में है, 126 में आप क्या कीजिए, अंत में चार है, अंत में चार है, यानी ये 0156 नहीं है, तो आप चार से इसके घात में भाग देंगे, 126 में आप चार से भाग देंगे, तो चार तिया 12 कटा 6 4 एकम 4 से साया कितना 2, यानी इस 4 का घात आपको क्या कर देना है, 2 कर देना है, 4 का घात 2 यानी 4 इंटू 4 चार चौका 16, यानी इसका इकाई गुण कितना आया, 6 आएगा। उसी प्रकार कोई दूसरा संख्या लेंगे, ठीक है, जैसे हम लोग इसमें लेंगे 26 है, 26 में हम लोग 4 से भाग देंगे, 4 6 24, चाहे इसको 26 ना करके हम 27 कर रहे हैं, हमेशा 2 ही आ रहा है, तो थोड़ा सा चेंज भी कर दें, मान लीजिए 27 है, 4 6 24 शेष आया 3, ठीक है, यानी इकाई का घात आपका कितना होगा, ये यानी 7 से पावर 3। अब 7 को 3 बार लिख के गुना कीजिए, 7 7 49 49 7 2 4 3, इकाई कितना आया 3, इसका इकाई अंक इसका होगा 3, इसका इकाई अंक होगा आपका 6, इसका इकाई अंक होगा आपका 9। अब हम लोग कोई दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, जिसमें मान लीजिए कि घात कम ज़्यादा है, जैसे इसको हमने छोड़ दिया था आपको पहले वाले को, इसमें इकाई अंक जैसे आप 268 को ले रहे हैं, इसमें हम 4 से भाग देंगे, ठीक है, तो 4 6 24 2 8 4 7 28, यहाँ पर शेष एकदम शून्य आया, तो शून्य इसका नहीं होगा, इसका इकाई अंक जहाँ भी शेष शून्य आए पावर पर 4 ले लेते हैं, जैसे 2 के पावर 4, फिर शून्य छोड़ना नहीं है। अब इसमें देखिए 2 को 4 बार लिख के गुना कीजिए, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 4 4 × 8 8 × 16 16, यानी इसका इकाई अंक आया 6, ठीक है। अब बचा इसमें सवाल कि इसमें प्रश्न पूछते कैसे हैं, ठीक है, इसमें दो तरीके से प्रश्न पूछते हैं किसी भी कंडीशन में, जैसे मान लीजिए कि सीटेट है, चाहे बीएसएससी है, एसएससी लेवल में ये सभी क्वेश्चन पूछता है, सीजीटी टायर वगैरह में ये क्वेश्चन पूछता है, जैसे मान लीजिए कि ये क्वेश्चन पूछ देगा कि इस संख्या का इकाई अंक होगा, ठीक है, और 4 विकल्प दे देंगे, 2 बी में होगा 4, सी में होगा 6, और डी में होगा इनमें कोई नहीं, ठीक है। अब अभी हमने इस सवाल को बनाया था, तो हमने बनाया था तो आपको बताया था कि 268 में हमने क्या किया, 4 से भाग दिया, ठीक है, 4 6 24 2 8 4 7 28, शेष आया 0, यानी अंतिम घात का पावर हम लोग 4 कर देंगे, ठीक है, अंतिम घात का पावर 4, शेष जहाँ 0, घात कितना 4, तो 2 का पावर हम लोग 4 करेंगे, लिखेंगे 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 4 4 × 8 8 × 16, अंत में कितना आया 6, यानी इसका इकाई अंक होगा आपका 6, जहाँ भी कल आपका 6 होगा 6 उत्तर होगा। दूसरी तरीके का एक क्वेश्चन और होगा कि जैसे लिख देगा कि 168 × 275 × 122 × 28 का इकाई अंक होगा, ठीक है। अब इसका इकाई अंक होगा, जैसे ए में दे देगा 2, बी में दे देगा 3, सी में दे देगा 4, डी में दे देगा इनमें कोई नहीं। तो जब जहाँ पर इस प्रकार के सवाल होंगे, वहाँ पर आप क्या करेंगे कि सबके अंतिम संख्याओं का गुणा करेंगे, ठीक है, अंतिम संख्या में गुणा करेंगे, जैसे इसके लास्ट में क्या है 8, इसके लास्ट में क्या है 5, ठीक है, इसके लास्ट में क्या है 2, इसके लास्ट में क्या है 8, 8 × 5 = 40, हाँ इसका 2 × 8 = 16, ठीक है, फिर दोनों का लास्ट लास्ट ले लेंगे, ठीक है, 0 × 6 कितना आया 0, इसका इकाई अंक क्या होगा, मान लीजिए कि इसमें कहीं एक विकल्प 0 होता तो इसका इकाई अंक होता आपका 0, ठीक है।
मतलब आप जितनी पहले वाली संख्याएं हैं उनको छोड़ते जाइए और लास्ट वाले संख्या को आपस में मल्टीप्लाई या गुना करते जाइए, ठीक है। अब इसके लिए हम आपको बता दिए हैं कि अगर ये भी हमने बताया, इससे भी क्वेश्चन होगा वो तो आसान से ही होगा कि जैसे बड़ी से बड़ी संख्या है, अंत में मान लीजिए एक दे दिया और पावर पर इतना बड़ा दे दिया, कहा कि इसका इकाई अंक क्या होगा, का इकाई अंक होगा, तो आप चाहिएगा तो इसमें भी चार से भाग दे दीजिएगा तो आंसर वही आएगा। लेकिन आपको तो अभी हमने ट्रिक बताया कि अगर इसमें इस तरह का क्वेश्चन हो कि अगर अंत में जीरो हो, एक हो, पाँच हो और छः हो, तो उसका इकाई अंक वही होता है चाहे घात कितना हो। जैसे अंत में है एक तो इसका इकाई अंक एक होगा, यहाँ पर पाँच होता तो इसका इकाई अंक पाँच होता, छः होता तो इकाई अंक छः होता। आशा करते हैं कि आपको इकाई अंक किसी भी संख्या का निकालना अच्छी तरह समझ में आया गया होगा। अगर अच्छी तरह समझ में आया तो मुझे कमेंट द्वारा सूचित करें और मेरे वीडियो को आगे भेजें, जिससे और लोग भी इस चीज़ के बारे में जानें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।